खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। पतरातू भुरकुंडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बच्ची अगवा करने वाली भिखारिन व बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा सौंदा डी मधु स्टूडियो के पास बच्ची का अगवा करने वाली भिखारिन को पुलिस ने स्टीम कॉलोनी पतरातू से धर दबोचा, जिसके निशानदेही के आधार पर पुलिस ने पतरातू स्टेशन से बच्ची को भी आज सुबह बरामद कर लिया है। इस बीच पुलिस ने अगवा करने वाली भिखारिन महिला के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बच्ची के बरामद होते ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। पतरातू पुलिस भुरकुंडा पुलिस को इस कार्य के लिए लोग खूब सराह रहे हैं। भुरकुंडा थाना प्रभारी बलवंत दुबे एवं पतरातू थाना प्रभारी गौतम कुमार को स्टीम कॉलोनी के युवाओं द्वारा सूचना प्राप्त हुआ था कि अगवा करने वाली जो महिला सीसीटीवी फुटेज में वायरल है, उसके निशानदेही पर अगवा करने वाली भिखारिन को देखा गया है, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी और भिखारिन पर पैनी नजर बनाए रखा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर महिला को स्टीम कॉलोनी झोपड़ी और बच्ची को पतरातू स्टेशन से बरामद किया। मौके पर भुरकुंडा थाना प्रभारी बलवंत दुबे, गौतम कुमार थाना प्रभारी पतरातू, दरोगा कुंदन कुमार राव, दरोगा मयंक प्रसाद, दरोगा अक्षय कुमार द्वारा बच्ची को बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। तीन सौ 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।